हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कैलेंडर का कोई भी सिंगल दिन निकालेंगे विदाउट कोड। आपने ध्यान से सुना है, कैलेंडर का कोई भी सिंगल दिन निकालेंगे विदाउट कोड। क्या है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है? 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बच्चे ध्यान से देखिएगा, सिंगल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 15 अगस्त 2021। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? 2021, अगर 2021 की बात करें तो 2021 आपका 15 अगस्त तक चला है, उससे पहले एक से लेकर 2020 तक के हम ड्रैक क्या निकाल सकते हैं? ओड डे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको 2000 प्लस 20 कर दूं तो एक से लेकर 2000 तक कितने ओड डे होंगे प्यारे बच्चे? जीरो। अगर 20 के 20 में नॉर्मल ईयर मान लूं तो प्यारे बच्चे 20 आपके ओड डे होंगे। अब इसमें लीप ईयर पता करते हैं। एक साल अगर मैं आपसे बात करूं, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो इसके अंदर 5 क्या होंगे? लीप ईयर रहे होंगे। अब बच्चे क्या करेंगे, 25 आपके पास टोटल ओड डे हो गया। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा? 4 बचा। इसका मतलब क्या है? एक से लेकर, एक वर्ष से लेकर 2020 तक 4 ओड डे रहे होंगे। अब बात करते हैं 2021 के अगस्त तक की। ध्यान से सुनना, सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। प्यारे बच्चे 31 दिन होते हैं जनवरी में, कितना ओड डे आया? 3। फरवरी कब की है? 2021 के नॉर्मल ईयर है, तो 0 रहा होगा, 3, 2, 3, 2, 3। 15 अगस्त 7 से डिवाइड करो बच्चे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देंगे। अब क्या करना है बच्चे, इन सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, 3 और 3 6 2 8 3 11, 11 2 13 16 17 17 4 21, ये 7 के मल्टीपल में पड़ता है, तो आपका क्या बचा? 0 बचा। बच्चे आप लोग जानते हैं सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है, 0 या 7 बचे तो आपका आंसर क्या होगा? संडे होगा। तो इसका मतलब 15 अगस्त 2021 को क्या था प्यारे बच्चे? संडे था। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये पूछा गया 2020 में, क्या लिखा है? 5 फरवरी 2008। प्यारे बच्चे, हम 2007 तक के सीधे, एक से लेकर 2007 तक के सीधे ओड डे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2000 प्लस 7, ध्यान से देखिएगा, एक से लेकर 2000 में 0 ओड डे होगा, 7 अगर मैं नॉर्मल ईयर मान लेता हूं 7 के साथ, तो 7 हमारे ओड डे रहे होंगे। अब क्या है, 7 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि 1 से लेकर 7, 2001 से लेकर 2007 तक एक ही लीप ईयर रहा होगा, तो एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, तो 8। 7 से डिवाइड किया, क्या बचा बच्चे? 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। अब यहां क्या है, आपका 5 फरवरी की बात कर रहा है, जनवरी फरवरी, ये फरवरी किसका है? 2008 का है। 2008 क्या है प्यारे बच्चे? लीप ईयर है। कोई भी साल अगर 4 से डिवाइड हो जाए शताब्दी ईयर को छोड़कर, तो लीप ईयर कहलाता है। जनवरी में 3 ओड डे रहा होगा, फरवरी क्या है आपसे? 5 फरवरी की बात कर रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 ही होगा, तो सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एक ये यहां से आ गया, तो 5 और 3 8 और 1 9, 7 से डिवाइड किया, कितना बचा बच्चे? 2। आप लोग जानते हैं सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है, तो दूसरा दिन क्या होगा? ट्यूजडे रहा होगा। दूसरा दिन क्या रहा होगा? ट्यूजडे रहा होगा। इसका मतलब क्या है, 5 फरवरी 2008 को क्या रहा होगा? ट्यूजडे रहा होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, मुझे आशा है इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नमस्कार।